पलवल जिला परियोजना अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। सोलर पंप लगवाने के लिए किसानों को 75% अनुदान दिया जा रहा है, जबकि किसानों को मात्र 25% राशि वहन करनी होगी। सरकार द्वारा 3 HP से लेकर 10 HP के सोलर पंप लगवाने के लिए यह सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिले के करीब 180 किसानों को सोलर पंप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 160 किसानों ने योजना का लाभ उठाने के लिए नवीन एवं नवीनीकरणीय विभाग में आवेदन किया है। जिले के किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पंप को छोड़कर सोलर पंप को अपनाएं। उन्होंने बताया कि 3 HP का सोलर पंप लगवाने पर 1,63,116 रुपये खर्च आता है। किसानों को 75% सब्सिडी देने के बाद 40,789 रुपये किसानों को वहन करना होगा। योजना का लाभ केवल ऐसे किसानों को दिया जाएगा जो सूक्ष्म सिंचाई विधि द्वारा खेती करते हैं। सरकार के उद्देश्य है कि पानी की बचत की जाए। किसान सिंचाई के दौरान ट्रिप प्रणाली द्वारा खेती करे ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। आप देख रहे हैं पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही एक कुसुम योजना चला रखी है, जिसके अंदर 75% तक सब्सिडी दे रही है किसानों के लिए। 75% सब्सिडी, 25% पे ओनली 25% बेनिफिशरी से इसमें आ रहा है किसानों का, जिसमें सरकार इनको 3 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप प्रोवाइड कर रही है। अभी तक जिले में हमारा 180 का टारगेट था और 160 के करीब हम अभी तक पहुंच चुके हैं, और अभी भी हम किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पंप को छोड़कर आप सोलर पंप को पे आए। तो इसके लिए 3 HP का सोलर पंप की कॉस्ट 1,63,116 है, जिसमें से 75% सब्सिडी है और 40,789 रुपये उसका बेनिफिशरी है, मतलब किसान का शेयर आता है। वैसे ही 5 HP DC सबमर्सिबल पंप की कॉस्ट 237,961 है, जिसमें से 59,400 रुपये किसान की कॉस्ट आ रही है। 7.5 HP सबमर्सिबल की कॉस्ट आपकी है 1,05,662, सब्सिडी है 3,52,207, इसकी टोटल कॉस्ट है 88,052, इसका बेनिफिशरी शेयर पड़ता है। वैसे ही आपकी 5 HP AC सबमर्सिबल की टोटल कॉस्ट आती है इसमें 2,31,306, जिसमें से 69,392 सब्सिडी है, 57,826 इसमें बेनिफिशरी शेयर आता है। ये सिर्फ हम उन किसानों को लिए दे रहे हैं जो वाटर सेविंग करते हैं, जो अपना माइक्रो इरीगेशन यूज करते हैं खेतों में, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, या फिर वो अपना अंडरग्राउंड पाइपलाइन से इरीगेट करते हैं। ये सिर्फ वाटर सेविंग वाले किसानों के लिए है जो बागवानी करते हैं या अपनी सब्जियाँ करते हैं। इसका मेन मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाटर को सेव करना और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना कि भाई पानी बहुत क्रूशियल है, इसको वेस्ट ना।